सतमाढ़ी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर भाई हम वोटों की बात करें तो करीब करीब 3,000 वोटर्स हैं। अब की बार इनकी क्या कहती है मनसा इस उपचुनाव में, किसको करना चाहते हैं सपोर्ट और किसको करना चाहते हैं वोट, तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के तहत मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच। आर्यन खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप आर्यन खान जी को वोट कर रहे हैं, आर्यन खान जी को ही क्यों वोट कर रहे हैं, क्या और प्रत्याशी मैदान में नहीं है? अब कहाँ बोला है जी, अब कहाँ बोला भाई, हम तो वोट ही देंगे, हम तो आर्यन खान, आर्यन खान को ही वोट देंगे, लेकिन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने वाले हैं? क्या विकास के मुद्दे रहने वाले हैं या क्या पार्टी विशेष को वोट करने वाले हैं आप? बहुत बढ़िया करो, धीरे धीरे रोड निकाल दिया, धीरे धीरे अच्छा अच्छा काम करा जुबेर जी ने, उसका लड़का लो हम वोट देंगे। लेकिन वो तो काम जुबेर जी ने कराए थे, आप लड़के को वोट दे रहे हैं, तो लड़के से भी आपको उम्मीद है क्या? हाँ जी, लड़का से उम्मीद है जी, लड़के से भी आपको उम्मीद है। लेकिन बीजेपी क्या इस क्षेत्र में काम नहीं करा पाती, या क्या आप बीजेपी से नाराज? नाराज से नाराज तो नहीं जी, अगर विकास करा ही ना हो, पहले बीजेपी ने कुछ काम ही ना करा, बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया, जो एमएलए साहब ने यानी जुबेर जी ने तो सारा जाड़ फिरवा दिया, सारा काम करवा दिया, पूरा मतलब रोड निकलवा दिया। कौन सा जाड़ फिरवा दिया? ये बिजली का जाल, सारा काम होगा, बिजली का जाल फिरवा दिया, मैं सोचा मच्छी पकड़वाने, हाँ पूरा पूरा काम होगा, सब काम अच्छा पूरा, हाँ पूरा काम करावाने। और ये तो बहुत ध्यान दियो तो जीत के निकल दिया, आया ही नहीं, आया ही नहीं, नहीं नहीं कोई ना। आपने कोई कभी काम के लिए गए थे क्या, आपको मना कर दिया किसी काम? हमने तो मन कहा कुछ आवे ही ना जीत के, कुछ अच्छा कुछ भी लेना देना नहीं। तो मेरे साथ है ना भाई और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, दुकानदार भाई साहब यहाँ पर छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन इनके पास है ना भाई दूर दूर से लोग आते हैं, तो हो सकता है इनके पास पूरा निचोड़ हो, आज 13 तारीख से पहले ही अपना रिजल्ट भी घोषित कर दे, कहीं ना कहीं ये अपना अनुभव बता सकते हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए बड़े भाई जी। कासम खान है मेरा नाम। कासम खान जी, आप मुझे ये बताइए कि इस रामगढ़ विधानसभा में किसका माहौल चल रहा है इस बार, लोग किसी पार्टी विशेष को वोट करने वाले हैं या किसी व्यक्ति विशेष को वोट करने वाले हैं या विकास का मुद्दा? देखो पार्टी को भी वोट करने वाले हैं, व्यक्ति विशेष को भी वोट करने वाले हैं। जो हमारे मरहूम जुबेर खान थे उसने बहुत काम किया है यहाँ पे, और हमें उम्मीद है उसके लड़के से भी हम काम की उम्मीद कर सकते हैं, और हमें बहुत ही उसने यहाँ पे अपना काम किया है, बहुत प्रभाव पड़ेगा उस बात से भी, जो जुबेर का काम है उसके प्रभाव से बहुत प्रभाव पड़ेगा उसके काम से। लेकिन बड़े भाई एक सवाल और, इस बात से कितना प्रभाव पड़ेगा कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि लोग इस बार सरकार के साथ चले जाएं? देखो सर हमें ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एमएलए का काम तो एमएलए तब भी करेगा जब वो जुबेर खान सरकार नहीं बनी थी, तब भी जुबेर खान जीते थे तब भी वो काम करा रहे थे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस बात से रामगढ़ की जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि राज्य और केंद्र में किसकी सरकार है? राज्य केंद्र में बीजेपी की सरकार है हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जुबेर खान ने बहुत काम करवाया, हमें उम्मीद है उसके लड़के से भी वो भी काम कराएंगे यहाँ पे जी। और यहाँ पे तो 70-80% वोट जुबेर खान के लड़के के ही है, 70-80% वोट जुबेर खान जी के लड़के को जाने वाले। जी जी जी। लेकिन सुखवंत जी ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा, आसपास से आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रत्याशी ठीक नहीं है या कोई और प्रत्याशी नजर नहीं आता, क्या बात है रामगढ़ की जनता को? सर देखो ऐसा है कि कभी वो कोई सी पार्टी में चले जाते हैं, कभी कोई सी में, अभी आहूजा को अगर टिकट मिल जाता है यहाँ से तो वो किसी और पार्टी से टिकट लेके यहाँ पे चुनाव लड़ते, वो चुनाव खराब करते, उसको कोई काम नहीं। बात कर रहे हैं सुखवंत, सुखवंत चुनाव खराब करते जी। हाँ उससे कोई वो नहीं होता है, ये तो अब ये बीजेपी से टिकट मिल गया, अब बीजेपी से नहीं मिलता तो वो किसी और पार्टी से लेके आके चुनाव खराब करना उसको, बीजेपी का चुनाव खराब करते हैं। हाँ। लेकिन इस बार जयहूजा बैठ गए, जयहूजा को पिछली बार टिकट मिला था, जयहूजा का कार्यकाल कैसा रहता है? जयहूजा का सही है, लेकिन उसको वो सुखवंत ने बिगाड़ा था पिछली बार भी, और अब अभी भी जयहूजा का यहाँ पे सुखवंत से ज्यादा वोट खींच सकता था, जयहूजा ज्यादा वोट खींच सकता था। हाँ जी जी। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, यदि ईमानदारी से पूछूं तो क्या बीजेपी
थोड़ी भारी लगती है या फिर कांग्रेस भारी लगती है भाई? इधर से तो देखो हमें तो कांग्रेस भारी लग रही है जी। आपको कांग्रेस भारी लग जी सर। दोस्तों मेरे साथ है ना भाई और भी नौजवान साथी भी मौजूद हैं, इधर आ जाओ, इधर इधर आओ गुरी। तो सबसे पहले अपने नाम, अरे तो मेरे साथ भाई नौजवान साथी भी मौजूद हैं। रामगढ़ विधानसभा में नौजवानों में भी काफी उत्साह है। सबसे पहले नाम बता दीजिए बड़े भाई। मेरा नाम आलिम खान है। आलिम खान जी, इस बार आपका समीकरण क्या कहता है? क्या आप राजनीति में नया नया पांव रखा है आपने? लेकिन नया पांव रखने का मतलब ये होता है कि युवा ने कहीं ना कहीं राजनीति में भाग लिया है तो तस्वीर बदलने वाली है कहीं ना कहीं। और यहाँ से जो टिकट दिया है कांग्रेस ने भी, एक युवा आदमी को टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनने वाली है रामगढ़ में? सर यहाँ से 99.9% सरकार कांग्रेस की आएगी। हमारे विधानसभा में श्री जुबैर खान जी, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके बेटे हैं आर्यन जुबैर जी, तो वो अभी प्रेजेंट टाइम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ से 99.9% जो वोटिंग होती है वो कांग्रेस को ही जाती है। कोई 0.1% 99 जाती है वो बीजेपी को जाती है। हमारे यहाँ पे 99.9% है वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस को क्यों जाती है, क्या कारण रहता है? क्या बीजेपी से लोग, मेवात के लोग खपा हैं, या फिर कांग्रेस अच्छे काम कराती है, या फिर कांग्रेस का एक ठप्पा लग चुका है कि जो मुस्लिम वोट होते हैं सीधा कांग्रेस को देते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है सर हिंदू मुस्लिम का, ठीक है। इस विधानसभा में अगर कोई भी अन्य नेता होते हैं, जैसे बीजेपी से होते हैं, सुखवंत जी मान लीजिए, आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले टाइम उन्होंने बसपा से लड़ा था शायद, है ना? बसपा से लड़ा था, बसपा से, हाँ, आजाद समाज पार्टी से। तो उस टाइम बीजेपी का ये है कि वो अपना नेता चूज नहीं कर पा रही है, बीजेपी अपना नेता चूज नहीं कर पा रही। कभी जय आहूजा जी को खड़ा कर देते हैं, कभी सुखवंत जी को वो देते हैं, वो अपना नेता ही चूज नहीं कर पा रही, तो विधानसभा में काम क्या कराएंगे? तो आपको ये कारण लगता है। लेकिन अभी आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम का बड़ा विवाद रहता है। हिंदू मुस्लिम का सर बड़ा विवाद ये रहता है कि आर्यन जुबैर जी हैं और इनके मरहूम पिताजी थे जो जुबैर खान जी, उन्होंने भी बहुत काम कराया है, ठीक है। यहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हो, रोड का माहौल देख सकते हो, ठीक है। हमारा भी बचपन निकल गया, 19-20 साल की उम्र होगी, हमने पहले भी देखा था और अब भी देख रहे हैं हम विकास की ओर, जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र बढ़ी जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। हमारे जो जुबैर खान जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया इस क्षेत्र में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान हैं तो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते, हिंदुओं को भी बराबर सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों को भी बराबर सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज की तरफ कि हिंदू मुसलमान करते हैं। देखो बीजेपी का काम होता है हिंदू मुसलमान करना, ठीक है, उनका काम है वोटिंग सिर्फ हिंदू मुसलमान पे लेना, बट कार्य के स्थान पे वो कोई भी वोटिंग नहीं लेते, कार्य करने के स्थान पे कोई वोटिंग नहीं लेते, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे आपस में भाईचारा प्यार प्रेम रहता है, ठीक है, हम यहाँ पे प्यार प्रेम से वोट करते हैं। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि मुस्लिम वोटर भी है हिंदू वोटर भी है, बट आप हिंदू वोटर्स में भी जाके पूछ सकते हो, वो भी आर्यन जुबैर जी के साथ ही हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ से भाईचारा बना के रखते हैं एक साथ। ऐसा नहीं, हम भाईचारा बिगाड़ने वाला काम कोई नहीं करते यहाँ पे जी। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप सब जुबैर खान जी ने, जुबैर खान जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि जुबैर खान जी की तरह जुबैर जी के जो सपने अधूरे रह गए वो आर्यन खान पूरा कर पाएंगे? जी 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 बिल्कुल। जो हम देख सकते हैं अभी आर्यन जुबैर जी की रैलियां चल रही हैं, ठीक है, हमारे गांव में भी आए थे वो, ठीक है, हमने भी सम्मान समारोह किया था उनके उसमें, तो आया जो उनके, देखो वो तो सीधी सी बात है, जैसा बाप करता है वैसा बेटा करता है, सिंपल बात है, ठीक है। अब उनके पिताजी की मौत हो गई है, देहांत हो गया उनका, ठीक है, तो उसकी वजह से, बट उनके जो बेटे हैं देखो कर्मठ नेता हैं, ठीक है, अभी न्यू जनरेशन है, ठीक है, वो हमको समझ सकती है, ठीक है, हमारे विचारों को समझ सकती है, जो हम कहना चाहते हैं वो समझ सकती है। देखो जुबैर खान जी उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया, ठीक है, बट हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनसे बोलने की, ठीक है, कोई भी काम जो हमें देखो आप समझ सकते हो चीज, बट उनके जो बेटे हैं वो देखो हमारी ही उम्र के हैं, तो हम उनसे बेझिझक होकर जो हमसे हमारा काम बनता है वो हम करा सकते हैं, हमारे जो स्थान का विकास है उसके ऊपर भी हम मुद्दे रख सकते हैं। जी आपकी, यानी आपको ऐसा लगता है कि वो बराबर के भाई बराबर हैं और आपके उनके सामने सब कुछ बराबर से रख सकते हैं? जी बिना किसी झिझक के। बिल्कुल सर, बिना झिझक के हम कुछ भी रख सकते हैं उनके सामने, और हमारे साथ आए थे, ऐसा नहीं है। देखो अब बीजेपी कांग्रेस वो चीज़ तो देखो अलग है ना, बट हम जाते हैं नेता के ऊपर, ठीक है, जो हमारे यहाँ से विधानसभा से चुनाव बैठे हम उसके तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ है ना भाई और भी लोग मौते, बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं, आप खुश हैं, किस चीज के लिए खुशी? खुशी तो रहे हैं, जब इधर हम खुश हैं। जमींदारे में कुछ, मैंने सोचा किसी बड़ी पार्टी से आपको टिकट तो नहीं मिल गया। ना टिकट विकट तो देखो ना मिलो, टिकट के हम तो दिखा देंगे, बिना टिकट के ही दिखा लेंगे। लेकिन अब जिनको टिकट मिल गया उनकी क्या समीकरण चल रहा है इस बार? समीकरण तो देखो अपने पार्टियों का काम है, अब जो ऊपर वाला दिखा कि उसके हो जाएगा।
लेकिन ऊपर वाला नहीं लिखता, लिखना तो अब नीचे वाले के हाथ में तेरा का, तो नहीं ऊपर वाला का मेहनत करेगा तभी सफल होएगा ना, वो सब नहीं हो पाएगा ना। कि मेहनत के एग्जाम एग्जाम दिलाने वाले हो आप? एग्जाम तो यार हमारा बच्चे बड़े बड़े पोस्टों में काम करना, ये सही नहीं, हमारे बच्चे कर नहीं रहे, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, सब कुछ काम है, जैसे करेगा जैसे तो हो गई। लेकिन आप इस बार किन मुद्दों को लेकर रामगढ़ विधानसभा में वोट करने वाले हैं? आपकी अहम समस्या क्या है? कुछ भी ना, हम कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस की वोट देंगे। यानी आपने शुरू से ही मन बना लिया कि कांग्रेस को वोट देता है यार, कांग्रेस को ही वोट देगा। ने भी कांग्रेस का वोट दिया, हम भी कांग्रेस की वोट देंगे। दूसरा हमारे कोई देवे ना, हमारे गांव में ना देता है।